हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और कल रात मेरे छोटे भाई ने, सुनील ने, एक नौगांव रोड से एक सांप को रेस्क्यू किया था, क्योंकि वो सांप को पकड़ता है और सकुशल उसको जंगल में छोड़ देता है। तो अभी हम जा रहे हैं सांप को रिलीज करने के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हम आपको दिखाएँगे कौन सा सांप है और हम कहाँ उसको रिलीज करेंगे। सो आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ है, उस डिब्बे के अंदर सांप है। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा भाई सुनील है जो सांपों को पकड़ता है, और ये मेरा छोटा भाई राम है, और ये छोटा भाई दिलीप है, और ऐसे डिब्बे के अंदर सांप है। तो चलिए हम चलते हैं उसको जंगल में छोड़ने के लिए, आपको दिखाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं जंगल में सांप को छोड़ने के लिए। सो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा सांप है, उसके बारे में कुछ जानकारी भी सुनील से पूछेंगे। तो यहाँ पर हम उस सांप को छोड़ेंगे, बने रहिए आप वीडियो के साथ में। दोस्तों देखते हैं सांप को कैसे रिलीज करते हैं। दोस्तों रात में कल हमने इस सांप को पकड़ा था, रात के 9 बजे हुए थे। दोस्तों रात में जंगल में नहीं आ पाया, काफ़ी दूर हमें छोड़ने के लिए आना पड़ता है, 8 से 10 किलोमीटर छतरपुर से। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, और दोस्तों सुबह का टाइम है, और हम इसको अभी अभी सुबह सुबह रिलीज कर देंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं, हमने इसका ढक्कन तोड़ दिया था इसको ऑक्सीजन के लिए। दोस्तों इसमें कोबरा सांप है जो काफ़ी जहरीला होता है। दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है उसमें। दोस्तों ऐसा सांप कभी भी देखो तो उससे दूरी बना के रखें दोस्तों। और दोस्तों हमेशा जो स्नैक रेस्क्यू भाई हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करें। दोस्तों काफ़ी गुस्से में सांप है, दोस्तों इसको ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं, शायद जाम हो गया ढक्कन इसका। दोस्तों काफी गुस्से में सांप है, आवाज कर रहा है। दोस्तों हम इसको यहीं जाने देंगे जंगल में। दिखाइए दोस्तों आपको, हम दिखाते हैं पास से। के बारे में जानकारी भी देंगे। दोस्तों काफी डरा हुआ सांप है, इसलिए वो निकलने में भी डर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं वो काफ़ी डरा हुआ है और बाहर नहीं निकल रहा है। दोस्तों इसे हम टॉर्चर नहीं ज़्यादा करेंगे, आराम से निकल जाएगा। अभी ज़्यादा डरा हुआ है तो इसलिए वो बाहर निकलने में डर रहा है। दोस्तों थोड़ी दूर चले जाएंगे, वो अपने आप निकल जाएगा। Thank you.
दोस्तों, ये अभी काफ़ी घबराया हुआ है, इसलिए जा नहीं रहा है, क्योंकि कल रात से पैक था ये। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी साइज का सांप है। दोस्तों अब हम इसे जाने देंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी विशालकाय सांप है। दोस्तों काफी गुस्से में है, दोस्तों में अभी जंगल में है, जाने देंगे। हटिए थोड़ी दूर से बना। दोस्तों आप देख सकते हैं पेड़ पे चढ़ गया है वो, काफी सहमा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जीव जंतु को बचाते। दोस्तों आप देख सकते हो पेड़ पे चढ़ गया आज जंगल में, और दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जीव जंतु को बचाते हुए। दोस्तों आप हमें वीडियो में सपोर्ट कीजिए, दोस्तों ऐसे ही अपने बुंदेलखंड में जीव जंतुओं को बचाते रहेंगे, और दोस्तों ऐसे ही जंगल में रिलीज करते हुए आपको इसके बारे में नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। बाबा देख सकते हैं दोस्तों कितने गुस्से में है, वो जा नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों जब सांप डरा हुआ होता है तो वो भागने की कोशिश नहीं करता, उसे खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो भाग नहीं रहा, यहाँ खड़ा हुआ है और इस इंतजार में है दोस्तों कि हम पहले यहाँ से जाएँ, इसके बाद वो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अब यहाँ से, तो अपने आप निकल जाएगा। जैसा कि आपने देखा, हमने सांप को रिलीज कर दिया है जंगल में, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। सो यदि आपको कहीं भी सांप नज़र आता है तो मेरे भाई को कांटेक्ट करें, मैं कांटेक्ट नंबर इस पे शो कर दूंगा वीडियो पर। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, बाय, बाय करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।